माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जयपुर का टनल दिखाने जा रहे हैं। इस टनल को बनाने का मुख्य कारण घाट की गुणी का जो रास्ता है वह बहुत ही सकड़ा है, जिसके कारण जयपुर से दौसा आगरा हाईवे की ओर जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था और घंटों जाम में फंसे रहते थे। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने कुछ सोचा और इस टनल को बनाने का इरादा किया, जिससे जयपुर से दौसा आगरा हाईवे और दौसा आगरा हाईवे से जयपुर आने वाले यात्रियों को ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस टनल का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 2010 में हुआ था और यह टनल बनकर 2013 में तैयार हुआ। इस टनल का निर्माण अरावली की पहाड़ियों में किया गया है। इस टनल में एयर पोल्यूशन, कैमरे, स्पीड कंट्रोलर और वेंटिलेशन फैन, साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों का यूज किया गया है। इस टनल की दूरी लगभग 2.8 किलोमीटर है। जब जयपुर से आगरा हाईवे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर टोल टैक्स बूथ भी बना हुआ है, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं घाट के गुणी टनल में। बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार जगह है ये। जब भी जयपुर से आगरा या आगरा से जयपुर की ओर आते हैं तो ये टनल यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं ये टनल कितना प्यारा, कितनी शानदार जगह बना हुआ है। तो हम एंट्री करेंगे इस टनल में। इस टनल की कुल दूरी लगभग 2.8 किलोमीटर की है। इस टनल में अत्याधुनिक उपकरणों का यूज किया गया है। तो हम टनल में एंट्री कर चुके हैं। इस टनल में आने जाने के लिए दो रास्ते बने हुए हैं, जिससे कि आने वाले और जाने वाले यात्री आसानी से आ जा सके। इस टनल के बनने से काफी लोगों को आने जाने में राहत मिली है और यह जयपुर के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यह टनल एक वरदान है आने जाने वाले लोगों के लिए है, और स्पेशल जयपुर के लिए, तो जो जयपुर में आ रहे हैं और जयपुर से जा रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है ये टनल, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। तो हम इस टनल के बाहर निकल चुके हैं और हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे और हम यहाँ से आपको इस टनल के बाहर का व्यू दिखाएंगे। हम आपको ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपसे निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।